तो बिहार की राजनीति फिर से बड़ा बदलाव लेकर जब आई है तो बड़े बड़े वादे करकर जनता को लुभाने की बात कर रही है नीतीश कुमार की सरकार। जी हाँ, अब हाल ही में उन्होंने एक बड़ा वादा कर दिया है। कहा है कि 20 लाख नौकरी यानी रोजगार पैदा करेंगे वो बिहार में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें से 10 लाख और सरकारी नौकरी देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं, हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए, नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे सरकारी और सरकार के बाहर भी, हर तरह से इतना ज्यादा काम पढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। जहां केंद्र सरकार पिछले 8 साल में 10 लाख नौकरी नहीं दे पाई है, वहीं कुल अकेले दम पर ये कहें नीतीश कुमार की सरकार 10 लाख नौकरियां सरकार में ढूंढ के देगी। अब कैसे ढूंढ के देगी, शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक पॉलिसी आने वाली है जिसमें आप ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते, पर ये बात अभी कहने वाली है, अभी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है इसके बारे में, लगातार बातें भी आती रहती हैं। पर वहीं नीतीश कुमार ने बकायदा इसके ऊपर जवाब दे दिया, क्योंकि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उन्होंने इस पर बोला है कि भाजपा सरकार जानबूझकर कर रही है। चीन ने भी ऐसा फैसला किया था और आप देख सकते हैं चीन के हालात क्या हैं, जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी इस वजह से भी है क्योंकि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो आगे होगा वो भारत हो जाएगा 2023 में आंकड़ों के हिसाब से, WHO के आंकड़ों के हिसाब से। वहीं नीतीश बाबा ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि एक पक्ष को लगातार भाजपा सरकार दबाव डाल रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद नीतीश कुमार ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चा पैदा करते हैं वो मुस्लिम समुदाय के होते हैं, इस वजह से शायद टारगेट कर रही है भाजपा सरकार, क्योंकि ये शब्द बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है पर इसका मतलब बिल्कुल सेम यही जाता है। कहीं ना कहीं वोट की राजनीति चलने लगती है, क्योंकि बिहार में फिर से चुनाव होने वाले हैं और नीतीश जी को फिर से CM की कुर्सी पर बैठना होगा और जनता को लुभाने के लिए कई बार बड़ी बातें करनी होगी। बड़ी बातें इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि भाजपा जो भी रूल लाएगी उसके खिलाफ उनको बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो रूल अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि अगर खिलाफ नहीं बोलेंगे तो इनकी सत्ता नहीं चल पाएगी। खैर, एक सवाल छोड़ के जाते हैं, नीतीश जी ने जो इतने बड़े बड़े वादे किए क्या वो पूरा हो पाएगा? क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं? अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें। और हम इसके साथ धन्यवाद।